स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका मैंने नाम रखा है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जब बच्चों से पूछा जाता है कि उनका फेवरेट सुपर हीरो कौन है तब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा आयरन मैन है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन। बट मेरा जवाब हमेशा एक ही था और अभी भी एक ही रहेगा, वो है शक्तिमैन। शक्तिमान के एक्टर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा, मर्द अलग होता है, औरत अलग होती है। औरत की रचना अलग होती है, मर्द की रचना अलग होती है। औरत का काम है घर संभालना, जो माफ करना मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। अगर शक्तिमान एवेंजर्स में होता तो वो ब्लैक विडो को तो बर्तन घिसाने के लिए ही लगा। मतलब ये सब सुनने के बाद मेरा एक ही कहना है, इतनी शक्ति हमें देना जाता। तो बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ के लिए। जी एक मिनट जी जी अरे यार ये जल्दी बताया करो ना यार, तुम लोग इतना लेट लगा दे, इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बादल हेडलाइन होना चाहिए यार ये। जैसे कि शक्तिमान जी बात कर रहे थे औरतों के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रैंडी औरतों के रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन ने अभी अभी अपना 14th WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। अभी जब सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखे हो चुके हैं तो आते हैं सारे फालतू न्यूज़ पे। जैसे कि जो बाइडेन ने US प्रेसिडेंसी जीत ली है, ही इज़ द US प्रेसिडेंट नाउ, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी सैड। न्यूज ऐसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ उसको डिवोर्स करने वाली है। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता। अभी देखते हैं उन इतने सारे लोगों का इसके बारे में रिस्पॉन्स आया कि जो बाइडन वॉन, लोगों ने अपने हर एक सोशल मीडिया पे इसके बारे में पोस्ट किया। तो देखते हैं कि जो बाइडन के जीतने के वजह से हमारे लाइफ में कितना फर्क पड़ता है। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू सेट, यू मे हेट मी फॉर इट, बट आई मिस टिकटॉक, क्योंकि एटलीस्ट सारा क्रिंज वहाँ एक ही जगह पर था। अब तो आ गए MX टकाटक और ये सब, बट द मेन थिंग वॉज, हमें होप थी कि यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर यूट्यूब ने भी लाया है, यूट्यूब ने लाया है यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम रील्स आने के दुख से हम लोग उभर ही रहे थे कि यूट्यूब ने हमारी वापस गांड मार दी है। मतलब दुखी करके ही छोड़ेंगे। 2020 इज़ द वर्स्ट ईयर। आई कैन ऑफिशियली से नाउ आफ्टर ऑल दिस टाइम, ये कोरोना वायरस से कोई सैड नहीं हुआ, बट जब यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाला है तो सब लोग सैड हो चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम फॉर अस ऑल। आई होप एवरीवन रिकवर्स फ्रॉम इट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सोशल मीडिया पे फेक रहिए, वोक रहिए, और मिलता है आपको नेक्स्ट एपिसोड में।